ज्वालामुखी पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 65.70 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मौके पर पहुंचे डीएसपी तिलकराज शांडिल ने मामले की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम एएसआई बलदेव शर्मा, यशपाल, सोनू शर्मा आदि ने गुमर के पास घरों में गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति अनुज कुमार वहां से पैदल गुजर रहा था। पुलिस आता देख वह हड़बड़ा गया और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका। जब व्यक्ति सही से बातों का जवाब नहीं दे पाया तो मौके पर डीएसपी तिलकराज को बुलाया गया और उसकी तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान व्यक्ति से 65.70 ग्राम चरस बरामद की। डीएसपी तिलकराज स्वयं मौके पर गए और उक्त व्यक्ति से चरस कहां से ली और कौन कौन शामिल हैं की पूछताछ की। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि क्षेत्र में यह धंधा कहां कहां फल फूल रहा है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। कल ज्वालामुखी पुलिस की टीम ने घूमर के पास नाका लगाया होता तो स्वयं एक व्यक्ति अनुज नाम का है वो वहाँ से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर एकदम हड़बड़ा गया। पुलिस ने उसको पकड़ा और उसका नाम पता पूछा तो वो बड़ा घबरा के बता रहा था। तो पुलिस ने शक किया कि इसके पास कुछ मादक द्रव्य हो सकता है। उसकी तलाशी ली गई तो 65.70 ग्राम जो चरस उसकी उसके पास से बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर दिया। आगामी तफ्तीश जारी। एलटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।